हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आई एम बैक विथ अ न्यू स्टोरी। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द क्रेन एंड द फॉक्स। ये आपके नेक्स्ट बुक के पेज नंबर 36 से चालू होगा। सी, दिस इज अ क्रेन, यस, एंड दिस इज अ फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी, यस। अभी देखो दूसरे पेज में इधर क्या है, ये लोमड़ी और ये क्रेन है, ये लोग खाना खा रहे हैं। चलो हम लोग थोड़ा पढ़ के जानते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। ओके, अ फॉक्स एंड अ क्रेन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। दे बोथ वेयर फ्रेंड्स। वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन फॉर डिनर। Happy to be invited, the crane flew to the fox's house in the evening. She knocked on his door with her long beak. The fox quickly opened the door and welcomed the crane. The fox had made some soup for dinner. The soup smelled delicious. And it made the crane very hungry. The fox served the soup in two shallow bowls. So, क्या हुआ? एक जंगल में एक फॉक्स और एक क्रेन रहते थे। वो दोनों अच्छे दोस्त थे। जैसे आपके क्लास में आपके इतने सारे दोस्त हैं ना, वैसे ये दोनों भी दोस्त थे। एक दिन क्या हुआ, फॉक्स ने क्रेन को अपने घर पे बुलाया। तो ये क्रेन क्या किया, वो जल्दी जल्दी उसके घर आ गई। और फिर वो आते ही अपने लंबे से चोंच से दरवाज़े को नॉक नॉक किया, ऐसे नॉक नॉक। और लोमड़ी ने क्या किया, फॉक्स ने क्या किया, वो गया और दरवाज़ा खोल दिया और फिर दोनों अंदर चले गए। फिर क्या हुआ, फॉक्स ने जो क्रेन के लिए खाना बनाया था उसकी महक आ रही थी, बहुत डिलीशियस था, यम्मी यम्मी। मम्मी घर में खाना बनाती है तो अच्छी महक आती है ना, आती है ना महक, यस। हम लोग पूछते हैं ना, क्या बनाया है मम्मी, बहुत अच्छी स्मेल है। तो वैसे ही इसने भी स्मेल किया खाने का और फिर दोनों बैठ गए खाने के लिए। फिर फॉक्स ने क्या किया, दो बड़े बड़े बाउल्स ले लिए और उसमें खाना डाल दिया खाने के लिए। अभी दूसरे पेज में आते हैं, पेज नंबर 38। उधर हम लोग क्या देखते हैं कि लोमड़ी और ये क्रेन दोनों मिलकर खाना खा रहे हैं। ओके, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। With a smile on his face, he offered one of the bowls to the crane. Without thinking about his guest, he soon began to relish his soup. The poor crane could not drink the soup at all. तो लोमड़ी ने क्या किया, खुशी खुशी फूड जो खाना उसने बनाया था वो क्रेन को दिया, बिना सोचे समझे कि ये अपनी लंबी चोंच से इतने छोटे बोल में से कैसे पिएगी। उसने नहीं सोचा और उसने क्या किया, अपना खाना खा लिया। फिर ये क्रेन ने क्या किया, वो तो खा नहीं पाई तो उसको बहुत दुख हुआ। देखो देखो वो कितनी सैड सैड लग रही है और ये बदमाश देखो हंस रहा है। अभी नेक्स्ट पेज। द बोल वॉज टू शैलो फॉर द क्रेन्स लॉन्ग बीक। हाउएवर शी जस्ट स्माइल पोलाइटली एंड स्टेड हंग्री। बिफोर शी लेफ्ट द क्रेन थैंक्ड द फॉक्स फॉर द डिनर। शी ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू हर हाउस फॉर डिनर द नेक्स्ट डे। शी डिसाइडेड To teach him a lesson. तो क्या हुआ, क्रेन ने क्या हुआ, क्रेन का वो इस छोटे से बोल में से खाना नहीं खा पाई
और उसको बहुत दुख हुआ, पर उसने अपने दोस्त फॉक्स से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बिना खाए ही हंसते हंसते अपने घर वापस चली गई। पर जब वो वापस जा रही थी, उसने अपने दोस्त को, जो फॉक्स है, उसे थैंक यू बोला, क्योंकि फॉक्स ने उसे अपने घर पे खाने के लिए बुलाया था। हमें थैंक यू बोलना चाहिए जब कोई भी हमें कुछ दे, हमें खाने पे बुलाए, हमें खाना दे, तो थैंक यू बोलना चाहिए। घर पे मम्मी को भी थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है ना बच्चों? यस। सो फिर क्या हुआ, वो जो क्रेन है उसने लोमड़ी को, मीन्स फॉक्स को, दूसरे दिन घर पे खाने के लिए बुलाया और उसने सोचा कि मैं उसे अच्छी सबक सिखाऊंगी। ओके ओके, नाउ विल सी व्हाट हैपेंस ऑन द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन क्या होता है वो देखेंगे। जिस दिन को फॉक्स को क्रेन के घर आना था खाने के लिए, ओके। द नेक्स्ट डे when the fox came to the crane's house, he found a variety of delicious dishes. He started feeling very hungry. However, all the food was served in tall and narrow vessels. तो क्या हुआ, जब लोमड़ी क्रेन के घर आया तो उसने देखा कि बहुत सारा खाना बना था और सारा खाना था वो ऐसे लंबे लंबे वेसल्स में दिया गया था। लोमड़ी ने क्या किया था, क्रेन को ऐसे छोटे छोटे बोल्स में दिए थे, तो इसने भी, मीन्स क्रेन ने भी अपने हिसाब से बड़े बड़े वेसल्स में लोमड़ी को दिया। लोमड़ी को तो बहुत अच्छा लग रहा था खाना, पर उसने देखा कि ऐसे बड़े बड़े वेसल्स में उसको खाना सर्व किया गया। The crane began to eat. She could easily eat the food from the tall vessels with her long beak. But the fox could not even reach the food inside the vessel. This time, it was the fox's turn to go hungry. The crane taught him a good lesson. So, क्या हुआ? क्रेन की तो बीक बहुत लंबी है, उसकी ये जो चोंच है वो तो लंबी है, तो वो उसने खाना चालू कर दिया, जैसे लोमड़ी ने खाना चालू कर दिया अपने घर पे क्रेन को बुलाकर, तो उसने भी खाना चालू कर दिया। बट फॉक्स का जो मुंह है वो छोटा है, तो वो इतने बड़े वेसल से खा नहीं पा रहा था। उसका मुंह अंदर तो क्या, ऊपर ही नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं खा पाया। सो सैड, देखो उसको, देखो वो बिल्कुल नहीं खा पा रहा है। तो क्या हुआ, इस बार फॉक्स भूखा घर गया और उसने क्रेन को थैंक्स भी नहीं बोला। पर हमें थैंक्स बोलना चाहिए, ओके बच्चों, ये हमेशा याद रखना होगा आपको। द क्रेन टॉट हिम अ गुड लेसन। सो क्रेन ने फॉक्स को सबक सिखाया। क्या सबक सिखाया, कि जब भी आप किसी को घर पे बुलाते हैं तो अपना मत सोचिए, उसका भी देखना चाहिए। आपने खाना तो अच्छा बनाया, पर दूसरे वाला वो खाना खा पाएगा या नहीं खा पाएगा वो आपको सोचना चाहिए, ओके। वेरी गुड। तो अभी इसको 2-3 बार सुनना है अच्छे से और देखना है, फिर टीचर को भी बताना है कि आपको इस स्टोरी से क्या पता चला। ओके, सो बाय।